दिया जाता है रात को, तो उसका इशारा हमदार साहब की तरफ है क्या? अभी वो कल सीएम साहब को मेमोरेंडम दिए। मैं हमेशा एक बात बोलता कि सवाल क्यों नहीं करते कोई भी इस शहर में। मैं तो अखबार वालों को भी बोलूंगा कि आप लोग जनरल तो एक अच्छी रिपोर्टिंग करते, मगर सियासी लीडरान भी अगर हम खुद भी कोई बात कोई मेमोरेंडम दे के बात करते हैं और उस पर अगर कोई वक्त पे काम नहीं होता तो आप लिखो वो बात यार, ये बात बोली गई और काम नहीं हुआ। इस मामले में मैं मीडिया वालों को थोड़ा तो कसूरवार मानूंगा, वो किसी भी सियासी लीडर की बात हो, सिर्फ मेमोरेंडम दे देना ये नुमाइंदगी नहीं हो सकती। मेमोरेंडम कोई भी चलता फिरता आदमी भी दे सकता है। नुमाइंदगी का मतलब यह है कि आप पूरी तरह किसी काम को कर रहे हो तो उसको अपने अंजाम तक पहुंचाओ। अगर वो अपने अंजाम तक 100% नहीं पहुंच पाता तो 50% ये जितना भी पहुंचा वो आवाम के सामने लाओ, सिर्फ एक लेटर दे देना ये नुमाइंदगी नहीं हो सकती, वो किसी की भी होगी। हाँ, लीडरान जो मेमोरेंडम दे देते हैं और बोलते हैं कि ये हमने दे दिया, अगर वो महीना दो महीने में नहीं होता तो आप उसको वापस लिखो कि यार ये एक महीना पहले आमदार साहब बोले थे, ये फला बोले थे, ये मिनिस्टर बोले थे, ये पिछले नगर सेवक बोले थे, इन्होंने ये बोला और ये काम नहीं हुआ, तो उनको भी जरा डर लगेगा कि यार सिर्फ मेमोरेंडम दे खबर अगर छपवा लिए तो यही अखबार वाला कल सवाल कर बैठेगा, तो हम भी डरने लगेंगे कि मेमोरेंडम दे के खबर देना कि नहीं देना। अभी तो ऐसा हो गया कि मेमोरेंडम दो और ऐसी खबर और ऐसे यूट्यूब चैनल पे चला रहे हैं कि ऐसा लगता है कि बस सब कुछ हो गया। कल की जो बात है वो तो चीफ मिनिस्टर की बात है, यहाँ कलेक्टर को भी जैसे मेमोरेंडम तो उसका कोई रिजल्ट नहीं आता, कमिश्नर को भी देते तो रिजल्ट नहीं आता, जो बड़े आदमी है वो छोटे लोग को मेमोरेंडम देते तो भी कुछ रिजल्ट नहीं आता। वो आदमी चौड़ी रोड बना रहा है, देखा ना, बड़ा दिल खुश हो गया मेरा। अभी इस्तेमे के अंदर भी काम वाले तो मैं जो 8 मिनट से अभी जल्दी बनी है तो थोड़ा मुआसला कर लो कि वो वैसी बनी है कि नहीं बनी। कंपेयर कर ले, सवाल करो, वही बोला यार कि आप सवाल करो, ठीक है बात बनी है सारी, कई जगह बनी है सब देख लो, सुलेमानी वर्दी तो बाद में बनी। अगर कोई लीडर लेटर दे रहा है कि 50 करोड़ का बजट का डिमांड किए, 10 करोड़ का किए, अगर महीने दो महीने में वो नहीं आ रहा है तो आप पूछो यार ये तो फला तारीख को 10 करोड़ का लिए बोले थे कि अभी ऐसा हो गया कि लेटर दे दिए और ऐसे ढिंडोरा पेट रहे कि हो गया 10 करोड़ आ गया, 20 करोड़ आ गया, 50 करोड़, वो आ नहीं रहा है, सिर्फ लेटर दिया जा रहा। लेटर तो मैं रोज भेज सकता, मिनिस्टरों से मिलना हमारे लिए भी कोई बात नहीं है, हम भी मिल सकते, मगर सिर्फ मिनिस्टर से मिल के काम हो जाएगा ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, ये सवाल पे हम गुलाब राव पाटिल साहब से मिलने वाले हैं, तलवाड़ा से लेकर फिल्टर प्लांट तक की पाइपलाइन का, अगर दादा भुसे साहब हमारी ये गुजारिश नहीं माने तो हम उनसे मिलेंगे कि हमको ये हमारी तहरीक चल रही है सालों से हमारी पाइपलाइन की दुरुस्ती के लिए, क्योंकि वो अभी वाटर सप्लाई के मिनिस्टर है महाराष्ट्र सरकार में। अभी मसूद मौलाना का अफगान शायद बैठे शामिल हो गए, अभी साथ में काम काज कर रहे हैं। हम पूरे शहर में पार्टी का तंजीमी ढांचा मजबूत कर रहे हैं, उसमें वो भी हमारे साथ में लगे हुए हैं और ये महीने के आखिरी तक हमारा एक पूरे शहर में नए लोगों का भी एक तंजीमी ढांचा पुराने लोगों के साथ लगभग जुड़ जाएगा और उसके बाद फिर हम लोग पार्टी में शमूलियत की भी ऐलान करते हुए चले जाएंगे। अभी हम लोग सिर्फ हर जगह लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और सवाल जनता दल में जोड़ने का नहीं है, सवाल है कि इस शहर में कौन हक पर बोल रहा है और आने वाले वक्त में कौन हक पर बोल कर अपनी बात मनवा सकता है। हम किसी मिनिस्टर की चापलूसी ना पहले किए ना आज करेंगे, हम जिस मिनिस्टर की बुनियाद ही फिरका परस्ती पर सियासत की शुरू हुई उस मिनिस्टर से हमें किसी किस्म की उम्मीद नहीं है और ये जो लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं वो पिछला 110 करोड़ का भी काम देख लें
और ये अभी की जो लिस्ट है ये भी देख लें। हम बोल रहे हैं कि फजूल है मिनिस्टर से उम्मीद लगाना, आप लड़कर अपना हक लीजिए। जब आपको अपना हक नहीं मिल रहा है तो जमहूरियत में एक ही रास्ता है, लड़कर लेना, चापलूसी करना। ये जनता दल का निहाल साहब के वक्त से कभी सेवा नहीं रहा, ना आगे रहेगा। हम एक मजबूत टीम बना रहे हैं जनता दल की, और इंशाल्लाह पूरी ताकत से लड़कर हम आने वाले कॉर्पोरेशन इलेक्शन में, शहर ने अगर हमको हक दिया तो हम जो हक है इस शहर के सेंट्रल की आवाम का, वो हक हम आवाम तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इसीलिए हम तंजीमी ढांचा मजबूत कर रहे हैं, और हमारा तंजीमी ढांचा बहुत पहले से बहुत ज़्यादा मजबूत है। और शहर में कहीं ना कहीं ये शहर अब हमको ही उम्मीद की नज़रों से देख रहा है, क्योंकि सबको देख चुका इस शहर ने क्या किसको दिया। इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं, लोग हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं, हम उनका इस्तकबाल भी कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि और भी नए लोग जुड़ें। हमारी बात बोल रहा हूँ, कभी आप जो है बोलते हैं कि वो रिमोट कंट्रोल से चलते हैं, कभी ये कहते हैं आपका बयान आते हैं कि आमदार को बेड़ा बनाया जा सकता है। अभी आशिफ भाई तौसुफ से पता चला कि आमदार को जनता ने चाबी वाली गुड़िया कहा, तो मुझे नहीं ध्यान आता कि किसने कहा, न्यूज पे लगी तो आसिफ भाई से पूछना चाहिए था कि किसने कहा, कब कहा। उन्होंने कहा कि मैं जनता की बात को ही आगे बढ़ाऊं। हम सबसे पहले जिम्मेदार हैं जिस हिस्से में हम काम कर रहे हैं उस हिस्से की आवाम को जवाब देने के, और अगर हम उस हिस्से की आवाम के साथ इंसाफ नहीं हो रहा है तो हम ये बोल रहे हैं कि सवाल करो। सवाल करने के लिए सब लोग, वो आज के एमएलए हो या पिछले एमएलए हो, हर आदमी को सवाल करना चाहिए मालेगांव सेंट्रल की आवाम के साथ ना इंसाफी का। ये सवाल करने की बात जो हम बोल रहे हैं इसमें कोई गलत बात नहीं है, ना अगर कोई इसको तनकीद समझता है तो ये उसकी समझ है। हमारा मकसद किसी पर तनकीद करना कतई नहीं है। मालेगांव की आवाम का जो हक है, जब वो उसको मुसलसल नहीं मिल रहा है तो उस पर अगर सवाल नहीं होगा तो हम जरूर बोलेंगे। हमने एक बात बोला, हम किसी की चापलूसी नहीं करते। हालात के हिसाब से हम सीटों की तैयारी करेंगे। तंजीमी ढांचा तो ऐसा है कि मालेगांव पूरे शहर में हमारा तंजीमी ढांचा पहले भी रहा है साहब के वक्त में, अब जो है हर वक्त मालेगांव शहर में निहाल साहब के नाम पर कोई एरिया, कोई हिस्सा ऐसा नहीं है। दूसरी सियासी पार्टियों के ताल्लुक से आप एक बात बोल सकते हो कि कुछ हिस्सा किसी का है, कुछ हिस्सा किसी का है, मगर मालेगांव शहर में जनता दल वाहिद ऐसी पार्टी है जिसका कम ज्यादा हो सकता है, कहीं ज्यादा हो कहीं कम हो, मगर मालेगांव शहर का ऐसा कोई एरिया नहीं है जहाँ जनता दल की वोट नहीं हो। वक्त और हालात के हिसाब से वोटें इधर उधर हुई, मगर आज के हालात में वोट हमारी, हमारे पास वापस आ रही है, हमारे साथ नए लोग भी जुड़ रहे हैं। हम सिर्फ निहाल साहब की सोच ही लेकर नहीं चल रहे हैं, हम एक नई सोच लेकर भी साथ में चल रहे हैं, ताकि दोनों कॉम्बिनेशन आज के हालात के हिसाब से रहे कि शहर की जो ज़रूरत है उस हिसाब से काम काज हो, और इलेक्शन के वक्त जैसे हालात रहेंगे वैसे सीट खड़ी करने का काम करेंगे। बहरहाल हमारा पूरे शहर में हमारा ढांचा बना हुआ है, अब लगभग एक बड़ा मजबूत ढांचा बन रहा है। निहाल साहब के वक्त से जनता स्वस्थ धान्य कारण धारक संगठना ये काम काज करती रही है और काम काज हमेशा करती रहेंगी। अभी जो बात है, हम हमारे अंदर एक आदत है, हमारी तहरीक कोई भी चुराए, हम फौरी तौर पे किसी की तहरीक में नहीं जाते। हाँ, केसरी कार्ड का जो सवाल है उस पे आप एक बात सीधी से समझ लीजिए के 2014 में जब यूपीए सरकार का आखिरी वक्त था तो फूड सिक्योरिटी बिल आया। फूड सिक्योरिटी बिल में इस वक्त जब 96 में जब पीला कार्ड देवी गौड़ा सरकार के वक्त बना तो उस वक्त 35% पीला कार्ड बनना चाहिए, ऐसा एक रेशो गरीबी का तय किया गया, दारिद्र रेशे का। मगर ये तुम्हारे शहर का दबदबा था कि उस वक्त भी लोग बोलते हैं कि निहाल साहब ने 45% पीला कार्ड बनाया मालेगांव शहर में। हम जो कहते हैं कि दबदबा, इसको बोला जाता है कि तुम्हारा हक जो है वो हक तुम दिलवा दो। अब वो दबदबा इस शहर में नहीं बचा, मगर 2014 में फूड सिक्योरिटी बिल यूपीए की आखिरी वक्त में आया
और इसके अंदर ये हुआ था कि शहरी लेवल पर 52% कार्ड धारक को अनाज दिया जाएगा और तालुके में दही एरिए में 69%। इस हिसाब से अनाज देने का एक सिस्टम शुरू किया गया। लगभग मालेगांव में 52% शहरी सतह पे अनाज देने का सिलसिला पहले से ही लगभग 45% पीला कार्ड बना था और कुछ हुआ होगा तो पहले से ही वो सिलसिला चल रहा था। इसलिए मालेगांव शहर की आवाम को जो पहले से 35 से ज्यादा पर अनाज मिल रहा था फौरी तौर पर उसका फायदा नहीं मिला। अब देही इलाके में 69% था तो वहां पर वो जो आगे के केसरी कार्ड थे उसको उसी में कन्वर्ट कर दिया गया। आज की पोजीशन ऐसी है कि अगर कोई तहरीक चलाता है किसी अवामी मसले पे तो अच्छी बात है, मगर फौरी तौर पर हम उसमें घुसना नहीं चाहते। लेकिन आज जो है केसरी कार्ड पर 100% अनाज मिले ऐसी कोई बात नहीं दिखती। सिर्फ जो मीडिया के जरिए बात समझी है कि कुछ सिल्लक जिले में जो माल है कुछ 22,000 यूनिट कार्ड धारक नहीं है, वो कार्ड धारक है वो 4,000 भी हो सकते 5,000 भी हो सकते, उनको अनाज मिलेगा ऐसा बोला जाता। जबकि मालेगांव शहर में लगभग मेरी मालूमात के हिसाब से 1,00,000 के ऊपर केसरी कार्ड मालेगांव शहर में है। उन सबको इंसाफ मिले। जब कोई दूसरी पार्टी कोई तहरीक चला रही है तो मैं बोला हम पहले उसमें नहीं घुसते, मगर अगर मालेगांव शहर के साथ पूरा इंसाफ नहीं हुआ, सिर्फ छछनबाजी करके 2-5 हजार लोगों को दिला दिया गया और बाकी लोग उससे वंचित रह गए, तो उस वक्त हम बाकी लोगों के लिए पूरी कोशिश करेंगे।